अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा, इसको लेकर मैं जल्द ही नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख तय करूंगा। विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मौसम ने सितंबर के महीने में फिर करवट ली है। लौटता हुआ मानसून देश के कई हिस्सों में तेज बारिश कर रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक के कई जिलों में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। हालात ये है कि गुरुग्राम और नोएडा समेत कई शहरों में एहतियात के तौर पर स्कूलों को भी बंद कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी 2-3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने एनआईए की अगुवाई में गुरुवार को कई एजेंसियों की ओर से उसके ऑफिसों, नेताओं के घरों और अन्य जगहों पर की गई छापेमारी के विरोध में 23 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। पीएफआई ने शुक्रवार को केरल में बंद बुलाया है। इस दौरान केरल के त्रिवंतरमपुरम में एक कार और ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। पीएफआई ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया गया। अमित शाह 23 सितंबर यानी शुक्रवार को बिहार के सीमांचल दौरे पर रहेंगे। उस सीमांचल में जहां 40-70% आबादी मुस्लिमों की है, सीमांचल को महागठबंधन का मजबूत दुर्ग कहा जाता है। इस मजबूत दुर्ग में लोकसभा के 4 में से 3 सीट और विधानसभा को 24 में 16 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। बीजेपी यहां से मिशन 35 की शुरुआत करने जा रही है। बिजनेसमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 137 अरब डॉलर 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ गौतम अडानी ने फ्रांस के बर्नार्ड अलर्ट को पीछे छोड़ते हुए स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अब ये रैंकिंग में केवल अमेरिका के एलन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे हैं। भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियों को जो बीते कई महीनों से सस्ते में रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी, उन्होंने इस महीने ट्रांसपोर्ट चार्जेस में भारी बढ़ोतरी के बाद रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने का मन बनाया है। भारत की रिफाइनिंग कंपनी अब अफ्रीका और अरब देशों से कच्चा तेल खरीदेंगी। देश की राजधानी में घटते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्थिति की समीक्षा को लेकर आज डीएम की बैठक हुई। एलजी विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कोरोना स्थिति को लेकर अहम चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद दिल्ली वालों को राहत के संकेत मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। कोई इसे रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने की साजिश बता रहा है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी इसे कुछ और नाम दे रहे हैं। इस चर्चा के बीच मॉस्को प्रशासन के इशारे पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों का विलय कराने के लिए आज से जनमत संग्रहण यानी रेफरेंडम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोई देश किसी दूसरे का विलय कैसे करता है।